Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we are going to start the new topic of our chapter, how do organism reproduce. अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. Here they can reproduce by budding, by fragmentation, by spore formation, by vegetative propagation. That's all. That thing we already discussed. We discussed asexual reproduction, then sexual reproduction in plants and other organisms also. Now, today we'll discuss the important topic, that is the sexual reproduction in human being. So, आज हम शुरू कर रहे हैं sexual reproduction in human being. So, today's topic is sexual reproduction in human being. It is very important topic. So let's discuss this topic. When we talk about this reproduction, उससे पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन. You know that human reproduce by the sexual reproduction. Sexual reproduction होगा, they adopt the sexual mode of reproduction. Sexual reproduction से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि when and how this process starts. When a baby grow, जैसे ही baby born होता है, body में growth होती है, size increase होता है, weight increase होता है, धीरे-धीरे बहुत सारे changes होते जाते हैं, and a baby become a teenager हो जाएगा, या changes होते जाएंगे, जो easily observable changes होते हैं, हमें आसानी से पता चलता है कि कैसे growth हो रही है, कैसे development हो रही है. But suddenly, at one stage of their life, कुछ ऐसे changes होने शुरू होते हैं जो normal growth और development के changes से different होते हैं. Like body पे hair की growth increase हो जाएगा, आवाज का change हो जाना, body structure में थोड़े बहुत changes feel होना. These type of changes, these occur at certain stages of the life. ये जो changes हैं, ये life के particular stage पे ही होते हैं. And the stage of the life at which we can observe such kind of changes is known as puberty. उस stage को हम क्या बोलते हैं? उस stage को हम बोलते हैं puberty. So puberty is the stage where the sexual maturity is attained. ये वो स्टेज होती है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होगी, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने आप को मैच्योर करेगा, रेडी करता है. तो ये जो स्टेज है जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं, इस स्टेज में जो चेंजेस आते हैं वो सभी की लाइफ में सेम हो ये जरूरी नहीं है. इट कुड बी डिफरेंट एंड इट कुड बी अपीयर एट डिफरेंट स्टेजेस और एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी की एज में, किसी की लाइफ में, किसी पर्टिकुलर एज में इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जबकि किसी दूसरे इंसान के अंदर वही चेंजेस या तो उससे पहले या फिर उस एज के बाद देखने को मिलते हैं. तो कुछ वेरिएशंस मिल सकती हैं, बट एवरीवन फील्स सच काइंड ऑफ चेंजेस व्हेन इट अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी. तो इसी तरीके की कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स या चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं. कुछ कॉमन चेंजेस की अगर हम बात करें जो कि गर्ल और बॉय दोनों में ही होते हैं, इस प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं. कॉमन चेंजेस लाइक वॉइस बिकम डीपर, यानी कि कॉमन चेंज में हम कह सकते हैं द ग्रोथ ऑफ द हेयर अंडर द आर्मपिट्स एंड ओवर द जेनिटल ऑर्गन्स. जो इस तरीके के चेंजेस हैं, ये कॉमन चेंजेस हैं जो गर्ल्स में भी देखने को मिलते हैं एज वेल एज बॉयज में भी देखने को मिलते हैं. उसके अलावा वन मोर चेंज वी कैन इंक्लूड दैट स्किन बिकम मोर ऑयली एंड पिंपल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं. सो दीज आर द सम कॉमन चेंजेस. अदर देन दीज कॉमन चेंजेस देयर आर द सम चेंजेस व्हिच अकर differently in the boy and in the girl. Girl के अंदर अलग तरीके के changes आएंगे, boy के अंदर अलग तरीके के changes आएंगे. गर्ल्स के अंदर मिलने वाले चेंजेस की अगर हम बात करें, देन वी कैन ऑब्जर्व द साइज ऑफ द ब्रेस्ट गेट इंक्रीज्ड. ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है. एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट द स्किन बिकम डार्कर एंड इट कन्वर्ट और इट फॉर्म्स अ निपल, निपल फॉर्म करेगा. उसके अलावा हम कह सकते हैं कि गर्ल्स के अंदर दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है. Whereas in the case of boys अगर हम बात करते हैं, boys के अंदर जो हमें changes देखने को मिलते हैं at this puberty stage, the voice become deeper, voice deeper बन जाएगी and start cracking. जो देखा है आप लोगों ने कि जैसे जैसे boys बड़े होते हैं उनकी आवाज में change आने शुरू हो जाते हैं.
बॉडी में हेयर की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, फेस पे हेयर की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, दे स्टार्ट मींस ब्रीडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि मुस्टाच एंड दिस थिंग्स द ग्रोथ ऑफ द हेयर बिकम स्टार्टिंग ऑन टू द फेस आल्सो. सो इस तरीके के कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो बॉयज के अंदर डिफरेंटली देखने को मिलेंगे, जो कि गर्ल्स में नहीं है. सो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलावा ये जो पर्टिकुलर चेंजेस हम बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि नाउ बॉडी इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे स्टार्ट फॉर्मिंग द स्पेसिफिक सेल्स, एंड दीस सेल्स व्हिच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन इज नोन एज जर्म सेल्स. उन्हें हम बोलते हैं जर्म सेल्स. दीस जर्म सेल्स दे आर फॉर्मिंग इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके अंदर ये जर्म सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. लाइक इन द केस ऑफ मेल वी कैन से द जर्म सेल्स आर द स्पर्म्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द टेस्टिस, व्हेयरएज इन द फीमेल और इन द गर्ल्स द जर्म सेल्स आर द एग व्हिच आर फॉर्म इन द ओवरी, जो कि ओवरी में बनते हैं. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज जर्म सेल्स और दीज गैमेट्स द फर्टिलाइजेशन हैपेंस. फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्म होता है एंड दिस जायगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. एंड आफ्टर द सर्टेन टाइम दिस एम्ब्रियो गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फुली ग्रोन अप बेबी. सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हाउ द लाइफ गोज ऑन. सो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रोसेसेस फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हम ये प्रोसेस को पढ़ें कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे बॉडी जर्म सेल्स को फॉर्म कर रही है. इन सब के लिए हमें पहले जरूरी है ये जानना कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, क्या रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, और उनमें कौन कौन से ऑर्गन से कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मिलकर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. सो वी विल डिस्कस बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम वन बाय वन. एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्स्ट. So let's discuss the male reproductive system. So here, as you can see, that this is the diagram which is showing the human male reproductive system. First of all, let's discuss what are the important part of this system, and then we'll take a look on this diagram and we explain it. Okay, let's start with the part. The first part of the male reproductive system is the its main reproductive organ, that is the testis. Testis is the main reproductive organ in the case of human being. So first is the testis. Second part of this reproductive system is the duct which is coming out from the testis and it's carrying the sperm, that is the vas deferens. And the third one is the urethra. Third we will include here the urethra. And here we can include some associated glands. These are the glands which are also included into this male reproductive system. Associated glands. And the last we can include the penis, which is the external genitalia in the case of human male. So these are the important parts of the human male reproductive system. Now let's discuss all these parts one by one. We will start from the testis. Testis ki hum jab baat kar rahe hain, then in the case of human being, here the testis are the main sex reproductive organs, and two oval shaped testis are found in the case of human being. So human being ke andar jaise ki yahan pe aap structure dekh sakte hain, this is the diagram of the testis, this is the structure, this oval shaped structure is the testis, and the two oval shaped testis are present, or we can say that one pair testis are present. The location of these testes in the case of human being is outside the abdominal cavity. These testes are present outside the abdominal cavity. Iska bhi ek particular reason hai jo yahan pe aapko pata hona bahut zaruri hai, that why the testes in the case of human being are found outside the abdominal cavity. Reason behind this is that testes जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है मेल जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना, मींस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना. स्पर्म्स आर द मेल जर्म सेल्स दैट वी ऑल ऑलरेडी नो. सो दीज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इनसाइड दीज टेस्टिस. इन टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज स्पर्म्स, इस स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है.
and this temperature is provided here outside the abdominal cavity. The body temperature of the human being is not means accurate for the sperm production. Body temperature जो होता है human being का उस temperature पे sperm का production नहीं हो सकता. So to provide the lower temperature other than the body temperature, the testes in the case of human beings are found outside the abdominal cavity. So now I hope you can understand the reason that to provide the lower body temperature, the testes are present outside the body cavity, so that the sperms can be easily formed. Okay, these testes are covered by a sac-like structure. We can say that these testes are present in a sac-like structure. जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक sac जैसी structure है. दोनों ही testes में होगा. Two oval shaped testes है. तो दोनों ही testes जो हैं ये इस sac-like structure के अंदर present रहती हैं. And this sac-like structure is known as scrotum. So this is known as scrotum. So we can say that the testes in the case of human beings are found outside the abdominal cavity and they are present inside the sac-like structure which is scrotum. So this is about the testes. Now let's discuss the function of the testes. अगर हम testes की function की बात करते हैं, testes का जो function है, it has the two important function. First, the germ cell production or the sperm production. We will write all these function here. Let's erase this part. We'll write the function. The function of the testes is it regulates the sperm production. Sperms की production को regulate करने का काम करता है testes. This is the first function. Another than this, another function of the testes is that the testes help in forming. The testes secrete the male sex hormone, which is testosterone. So testosterone, जो कि testosterone, testosterone is a male sex hormone, and this male sex hormone is responsible to show the secondary sexual character, to for the production of secondary sexual character, which is formed into a human being. जो male के अंदर secondary sexual character होते हैं, like hair growth, the means heavy voice जो होती है, या फिर जो masculine body होती है, इस तरीके के जो secondary sexual character हैं, that are also controlled by this secondary sexual hormone, testosterone. This hormone is also produced by the testes. तो टेस्टिस के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टू इंपॉर्टेंट फंक्शन है. फर्स्ट, इट रेगुलेट्स द स्पर्म प्रोडक्शन एंड सेकंड, इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल. ओके, दिस इज अबाउट द टेस्टिस. अब टेस्टिस के बाद आते हैं हमारा सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हिच इज वास डिफरेंस. वास डिफरेंस क्या है? अ डक्ट which are coming out from the testes. Testes से एक duct बाहर निकलती है and this duct is carrying the sperm. Sperm जो है वो testes के अंदर बन रहे हैं. यहाँ पे कई ऐसी convoluted tube-like structures होती हैं जिन्हें हम seminiferous tubules बोलते हैं. The name of these tubules are seminiferous tubules. अगर आप इसे याद रख सकते हैं then you can remember it. Seminiferous tubules, and inside these tubules the sperms are produced. Sperms in tubules में बनने के बाद एक duct के through आगे की तरफ यानी कि urethra तक carry करके ले जाए जाते हैं. And this duct is known as vas deferens. This duct is vas deferens. This vas deferens, the function of this vas deferens is just to carry the sperms towards the urethra. Urethra तक carry करके लेके जाना है. Vas deferens. Now this vas deferens then open in here, it opens with the urethra. Now what is urethra? You have already studied the excretory system. We know that this is the urinary bladder. This is the urinary bladder. The urinary bladder hai jahan pe urine store rahega, and these ducts, these are the ureters jo ki kidney se urine को लेके आ रहे हैं. These are the ureter. Ureter carry the urine लेके आ रहे हैं. They are pouring or storing this urine into the urinary bladder. And then this urinary bladder open outside through the urethra. So this is the urethra. This is the urethra part. Urethra, which is carrying urine.
Okay, now what happens? This vas deferens, releases sperm into the urethra. ये urethra के अंदर sperm को release कर देते हैं, so that they can be transfer from the penis के through बाहर की तरफ transfer हो जाएं. So अब urethra जब यहाँ पे हम कह रहे हैं urethra तक transfer कर रहे हैं, here some important thing is also there. Urethra जो है it's a common passage. यहाँ से urethra जो है urine लेके भी जा रहा है. It is carrying the urine into the human male as well as it is also carrying the sperm. Sperms को भी carry कर रहा है. Sperm के साथ साथ ये जो urethra है इसके अंदर यहाँ पे कुछ हम glands देख पा रहे हैं. These are the some glands. These glands are known as associated glands. Associated glands है. The important associated gland which is present in the case of human male is the prostate gland. Prostate gland. And the another one is seminal vesicle. Seminal vesicles. These are the two glands which are present in the case of human male. This is the prostate gland. This is the prostate gland, and this is the seminal vesicle. These glands open into the urethra and they secrete their secretion. Glands hai to kuch na kuch secretion karengi. They secrete some substances which help to nourish the sperm को नरिशमेंट देने का काम करेंगे या फिर उसके मींस उसको हेल्प कर रहे हैं कि sperms आगे मूव कर पाए. सो व्हेन दिस सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल जब इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन वास डिफरेंस से आने वाले sperms के साथ मिक्स हो जाता है देन वी कॉल इट सीमन. तब हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दिस वर्ड इज द सीमन. वी यूज द वर्ड सीमन. व्हाट इज सीमन? सीमन इज द स्पर्म plus the secretion of prostate gland and seminal vesicle. Prostate gland or seminal vesicles ka secretion and sperm ko combine hum semen bolenge. So now we are talking about the urethra. What is urethra doing? Urethra is carrying the urine as well as it is also carrying the semen. This semen bhi carry kar raha hai kyunki semen bhi yahi se is duct ko cross karta hua aayega, is duct ke through transfer hoga. जबकि यूरिन जो कि यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है इट आल्सो पास थ्रू द यूरिथ्रा. सो फंक्शन ऑफ द यूरिथ्रा इज दैट इट इज अ कॉमन पासेज फॉर द यूरिन एंड फॉर द सीमन. कॉमन पासेज होगा. नाउ दिस यूरिथ्रा ओपन्स थ्रू अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ मस्कुलर स्ट्रक्चर. यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है. दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज नॉन एज पैंग्स. दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल. एंड means इसके अंदर से होता हुआ यूरिथ्रा जो है बाहर की तरफ ओपन होगा. दिस इज द ओपनिंग ऑफ दिस यूरिथ्रा जो कि पेनिस के टिप पे प्रेजेंट होती है. एंड थ्रू दिस द यूरिन एज वेल एज द सीमन इज सीक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी. सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट्स टेक अ क्विक रिकैप सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड. द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द टेस्टिस, देन वास डिफरेंस व्हिच इज द डक्ट, देन यूरिथ्रा, associated gland, prostate gland and seminal vesicle. Let's label these glands. This is the prostate gland. This gland is the prostate gland. It is a large size gland. बड़े size की होती है, donut shape बड़े size की होती है prostate gland. And these are the seminal vesicles. Seminal vesicles है. And then this urethra open outside through a muscular structure. एक muscular structure के अंदर से होता हुआ बाहर टिप पे open होगा and this structure is known as pans. So this is about the human male reproductive system. The function of the testis is to regulate the sperm production as well as to secrete the testosterone hormones which is responsible for controlling the secondary sexual character in the male. So this is about human male reproductive system. Now we'll take a look onto the female reproductive system.